दुनिया में हिंदुस्तान ही नहीं, किसी भी देश की जेल क्यों ना हो, जेल का नाम सुनते ही बड़े से बड़े अपराधी का पसीना छूट जाता है। और जेलों के अंदर की समस्याओं को तलाशने निकलोगे तो इतनी कि वहाँ बंद कैदी भी इनकी गिनती करना भूल जाएं। बहरहाल जेलों की ऐसी बदहाल जिंदगी से एकदम अलग मैं आज आपसे जिस जेल का जिक्र कर रहा हूँ उसका सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सुनने के बाद आपके मन में इसको एक बार देखने की जिज्ञासा जरूर होगी। यह जेल मौजूद है 472 साल पुराने किले के अंदर, वह किला भी जमीन पर नहीं है। यह समुद्र के बीचों बीच और इसके अंदर केवल एक कैदी ही जेल की सजा काट रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों आज मैं आपको भारत की एक ऐसी जेल के बारे में बताऊंगा जिसमें केवल एक ही कैदी बंद है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। भारत के केंद्र शासित प्रदेश दीव में एक जेल स्थित है जिसका नाम सब जेल दीव है। इस जेल की बनावट किसी किले से कम नहीं है और समुद्र के बीच में स्थित है। किलानुमा कैदखाना बड़ा ही खूबसूरत व आलीशान है। किसी जमाने में यह जगह पुर्तगाल कॉलोनी के अंदर आती थी। इस जेल की इमारत 472 साल पुरानी बताई जाती है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किले जैसे जेल में सिर्फ एक कैदी बंद है। और यह सुनकर आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि जेल में जो कैदी बंद है वह बड़ा खूंखार होगा या कोई रईस होगा, तो ऐसा नहीं है। इस जेल में जो अपराधी सजा काट रहा है उसका नाम दीपक कांजी है, जिसकी आयु 30 से 32 वर्ष बताई जाती है और उस पर अपनी ही पत्नी को जहर देकर हत्या करने का आरोप है। और जेल में दीपक कांजी बतौर कैदी अकेले रहते हैं। दीपक की सुरक्षा में 5 सिपाही और एक जेलर की तैनाती की गई है और शिफ्ट वाइज शिफ्ट सभी की ड्यूटी का नंबर आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग लंबे समय से इस किलानुमा जेल को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की कवायद में लगा हुआ है और साल 2013 में ही इस जेल को बंद करने की घोषणा कर दी गई थी। कुछ साल पहले तक इस जेल में 7 कैदी बंद थे जिनमें से 2 महिलाएं भी शामिल थीं, लेकिन बाद में उनमें से 4 अपराधियों को गुजरात की अमरेली जेल में शिफ्ट कर दिया। अमरेली जेल दीव से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 4 कैदियों के ट्रांसफर के बाद 2 कैदियों की सजा पूरी होने के कारण वह भी रिहा हो गए। ऐसे में सिर्फ दीपक कांजी ही बचे हैं जो अकेले इस जेल में सजा काट रहे हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दीव जेल में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों का कहना है कि कैदी के लिए जेल में समय बिताना मुश्किल होता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दमन और दीव में प्रत्येक कैदी पर सरकार 32,000 रुपये खर्च करती है, जो कि दूसरे राज्यों से यह रकम बहुत ज़्यादा मानी जाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक अकेले कैदी के लिए सरकार खाने पीने का बंदोबस्त कैसे करती है? तो आपको बता दें कि दीपक कांजी के लिए खाना पास के रेस्टोरेंट से आता है, क्योंकि जिस बैरक में दीपक रह रहा है उसमें 20 कैदियों के रहने की जगह है और एक ही कैदी होने के कारण उसके लिए खाने पास के होटल से मंगवाया जाता है। इस जेल में उसे कुछ समय के लिए दूरदर्शन और आध्यात्मिक चैनलों को देखने की अनुमति है। जेल में दीपक को मैगजीन व गुजराती अखबार भी दिया जाता है। इसके अलावा शाम 4 बजे से 6 बजे तक उसको 2 सिपाहियों के साथ खुली हवा में घूमने की इजाज़त है। इस जेल में बंद इकलौते कैदी दीपक कांजी और उसके लिए किए गए महंगे खाने पीने के इंतजाम ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इस जेल की बढ़ती पॉपुलरिटी का ही नतीजा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग इस किलेनुमा कैदखाने को कई सालों से अपने कब्जे में लेने की कोशिशों में जुटा है, ताकि वह यहाँ का जीर्णोद्धार करा के इससे आय का रास्ता तलाश सके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।